सब्सक्राइब कीजिए कोड फ्लुएंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, बहुत समय के बाद आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप टैगलिब क्रिएट कर सकते हो। टैगलिब मतलब कस्टम टैग आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एडवांस जावा में। सो लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे नेटबीन्स ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में से आपको जावा वेब सिलेक्ट करना है, यहाँ से वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैगलिब अंडरस्कोर 22 अप्रैल, और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको सर्वर में अपाची टॉमकैट यूज करना है, जावा डबल ई वर्जन, और यहाँ पे ये जावा डबल ई 7 वेब है वही आपको रखना है डिफॉल्ट, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको कोई भी फ्रेमवर्क सिलेक्ट नहीं करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो ये हमारा कुछ ऐसा कुछ है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है जहाँ पे इंडेक्स और एचटीएमएल तो डिफॉल्टली आती है। सो हम यहाँ पे हम क्या करें, फर्स्ट हम ये index.html है उसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यस डिलीट। और यहाँ पे हमको फर्स्ट क्या करना है, कस्टम टैग हम क्रिएट करने हैं। सो हम यहाँ पे उसकी TLD फाइल होती है, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर, वो हमको ऐड करनी है हमने हमारे प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे हम उसका यही डिफॉल्ट नेम रखते हैं। सो नहीं, हम टैग लिब यहाँ पे हम दे दें, और यहाँ पे ये सभी आपको रखना है लोकेशन वेब INF के अंदर, यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो वही आपको रखना है, और यहाँ से आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारी फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है, और यहाँ से आपको फर्स्ट ये कमेंट वाला कोड पूरा निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैग टैब यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे यस ये आ गया टैग, और उसके बाद आपको उस टैग का नाम क्या देना है। सो वो आपको यहाँ पे आपको देना है, नाम क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल हम हेलो नाम यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद हमको लिखना है टैग क्लास, और उसको यहाँ पे हमको क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमको ये उसके लिए एक जावा फाइल ऐड करनी होगी, यहाँ पे हम उसका नाम दे रहे हैं पैकेज TI के अंदर, और टैग अंडरस्कोर हैंडलर, यहाँ पे आपको वो फाइल का एक्सटेंशन नहीं देना है .java, ऐसा कुछ भी आपको नहीं देना है। अगर आपने ऐसा कुछ दिया तो आपका फाइल में एरर कुछ भी नहीं आएगा, बट आउटपुट जनरेट नहीं होगा। सो वही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको लिखना है बॉडी कंटेंट, और उसको क्लोज कर देना है, सॉरी बॉडी कंटेंट को क्लोज कर देना है, और उस स्क्रिप्टलेस यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है एट्रीब्यूट, आपको आप क्या एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहते हैं वो टैग के लिए। सो वो आपको यहाँ पे देना है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे आपको क्या आपको एट्रीब्यूट का नेम देना चाहते हैं, साइज क्या आप जो वो सब कुछ यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। सो उसका हमको नेम देना है। फॉर एग्जांपल हम कलर नेम डिफाइन कलर एट्रीब्यूट डिफाइन करें हेलो टैग के लिए। सो ये सिर्फ आपको रियली फाइल में इतना ही करना है, ये हम स्पेसिफिक ओनली वन टैग के लिए कर रहे हैं। सो हम उसका नेम का टैग का नेम है हेलो, और उसका हेलो का यहाँ पे हम एट्रीब्यूट कलर सेट कर रहे हैं। आप साइज ऐसा कुछ भी आपको करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सो अभी हम इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमने टैग क्लास डिफाइन किया टैग अंडरस्कोर हैंडलर। सो अभी हम वो क्लास यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जावा क्लास, अगर यहाँ पे जावा क्लास में आपको नहीं आ रहा तो आपको अदर में से यहाँ पे से जावा क्लास आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे जावा क्लास JSP ओके। जावा सर्वर फेसिस ओके, ये रहा यहाँ पे आपको शो हो रहा था। यहाँ पे आपको जावा में जाना है, और जावा में से आपको जावा क्लास यहाँ से सिलेक्ट करना है।
आपको वो ध्यान रखना है कि आपने वहाँ पे जो टैग है टैग क्लास है वहाँ पे आपने डिक्लेयर किया था वही आपको यहाँ पे नेम दिए देना है टैग हैंडलर। ओ सॉरी, हमने पैकेज जहाँ पे हमने नहीं दिया, सो मैं यहाँ से अब इसको डिलीट करता हूँ। वहाँ पे ये वहाँ पे अगर आप पैकेज दे देते हो तो वो आपको यहाँ पे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पैकेज नहीं दिया और ऐसे ही आपने डायरेक्टली क्रिएट कर दिया और फिर से आपने पैकेज ऐड किया तो वो यहाँ पे जावा में अपडेट नहीं हो रहा है, सो उसके लिए आपको क्लीन एंड बिल्ड भी करना है, बट समटाइम ये ऐसा नहीं हो रहा है। सो मैंने फिर से मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको लेना है टैग हैंडलर और यहाँ पे आपको पैकेज देना है P1 जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था TLD फाइल के अंदर। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम ये कमेंट सब रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे आपको एक सॉरी यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्सटेंड करवाना है, एक्सटेंड सिंपल टैग सपोर्ट। सो यहाँ पे ये आपको क्लास एक्सटेंड करवाना है, ये काम ये आपको फर्स्ट ये करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेथड क्रिएट करनी है, पब्लिक वॉइड डू टैग आपको यहाँ पे मेथड क्रिएट करनी है। उसके अंदर आपको यहाँ पे JSP राइटर का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, JSP राइटर इक्वल टू न्यू सॉरी गेट JSP कंटेक्स्ट डॉट गेट आउट और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्ट्रिंग WRI और यहाँ पे आपको कंट्रोल स्पेस देना है, सो वहाँ पे वो आ जाएगा SW इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राइटर और यहाँ पे यह हमारा डिफाइन हो गया। सो ये हमको फर्स्ट इंपोर्ट के लिए पूछ रहा होगा, ये इंपोर्ट कर दीजिए और उसके बाद ये क्या आ रहा है, ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है ये आपको मेथड को ओवरराइड करना है। सो ये हमने ओवरराइड कर दी, सो अभी हमको अभी ये अभी हो गया और यहाँ पे हमको लिखना है गेट JSP बॉडी डॉट इनवोक ये स्ट्रिंग राइटर का ऑब्जेक्ट। सो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको सिंपली जो हमने वहाँ पे कलर एट्रीब्यूट डिफाइन किया था वो कलर एट्रीब्यूट स्ट्रिंग राइटर के अंदर आएगा और यहाँ से वो पास होगा और गेट JSP बॉडी से वो इन्वोक होगा। सो ये आपको करना है, उसके बाद ये क्या ये आपको यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे करना है, JSP एक्सेप्शन और JSP IO एक्सेप्शन यहाँ पे आपको थ्रोज करने हैं अपनी डू टैग मेथड के अंदर। सो अभी हम क्या करें, हमने वहाँ पे कलर जो एट्रीब्यूट लिया है उसका हम यहाँ से वेरिएबल क्रिएट करें स्ट्रिंग कलर और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कोड पे जाना है। इंसर्ट कोड में जाने के बाद आपको यहाँ से सेटर मेथड ऐड करनी है, सेटर मेथड और यहाँ से वो कलर आ जाएगा। सो वो आपको ये कलर देना है और यहाँ पे जनरेट कर देना है, बस दैट्स इट। आपको आपकी ये सेट कलर मेथड यहाँ से सेट होगी, दिस डॉट कलर और यहाँ से वो कलर। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आउट डॉट प्रिंट ln हम यहाँ पे करें DIV स्टाइल इक्वल टू सिंगल कोट कलर कॉलन डबल कोट कलर सॉरी यहाँ से आपको प्लस का आपको यूज करना है कलर कलर और यहाँ पे आपको कुछ भी आपको डिफाइन करना तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हम डिफाइन करें और यहाँ से आपको TAV टैग को क्लोज कर देना है, यहाँ पे ये सेमी कोलन आ गई, यस। सो अभी यहाँ पे हम क्या करें, स्ट्रिंग आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे हम उस वही हम करें DIV स्टाइल इक्वल टू डबल कोलन कलर कोलन डबल कोट में आपको लिखना है वही सेम और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने और यहाँ पे हमको जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सॉरी ये डबल कोट में नहीं आएगा और यहाँ पे एक डबल कोट ओवर होगा। सो हमने जो यहाँ पे स्ट्रिंग राइटर का ऑब्जेक्ट है डॉट SW डॉट टू स्ट्रिंग, सो ये कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ एरर है मे बी। ओके डबल कोट ओके प्लस प्लस यस SW डॉट यस टू स्ट्रिंग,
सो ये हमको डबल कोट के अंदर लिखना है और यहाँ पे आपको सेमीकोलन दे देना है बस। ये अभी हमारी जावा फाइल क्रिएट हो गई। आपको फर्स्ट क्या करना है, टैग हैंडलर के अंदर और आपको एक जावा फाइल क्रिएट करनी है जो जिसका नाम आपने वो TLD फाइल के अंदर दिया है वही आपको यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद आपको एक्सटेंड सिंपल टैग सपोर्ट करना है। उसके बाद आपको ये क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करनी है पब्लिक वॉइड डू टैग, उसके अंदर आपको JSP राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्ट्रिंग राइटर के ऑब्जेक्ट गेट JSP बॉडी, उसके अंदर आपको इन्वोक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कलर का एक कलर जो वेरिएबल आपने वहाँ पे डिफाइन किया सॉरी वहाँ पे आपने एट्रीब्यूट दिया है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। राइट क्लिक करके बाद इंसर्ट कोड के अंदर आपको वो कलर के लिए आपको सेटर मेथड क्रिएट करनी है और वो मेथड क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना आउटडोर प्रिंट एलन का DIV स्टाइल कलर और यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम यहाँ पे आ जाएगा। सो ये आप देख सकते हो। सो अभी ये हमारा इसका कोड हो गया। सो अभी हम एक और फाइल बना रहे हैं जिसका हमारा index.html फाइल और index.jsp फाइल होगी। सो ये हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं और यहाँ पे हमको मेन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो फाइल ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक taglib इंक्लूड करवानी है डायरेक्टरी और यहाँ पे आपको लिखना है प्रीफिक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो आपको लिखना हो तो। सो यहाँ पे हम प्रीफिक्स में फॉर एग्जांपल दे रहे हैं प्रीफिक्स, यहाँ पे कुछ एरर में भी आ रही है क्या है देख लेते हैं फिर से taglib यस प्रीफिक्स यस अभी आ गई। प्रीफिक्स के हम अंदर फॉर एग्जांपल दे रहे हैं ABC और यहाँ पे आपको URI देना है। URI आपको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो TLD फाइल में से, आपको यहाँ से आपको URI मिल जाएगा URI और यहाँ पे आपको टैग के अलावा और सब कुछ यहाँ पे कॉपी कर देना है Ctrl+C और यहाँ पे आपको Ctrl+V कर देना है बस। ये हमारे इंक्लूड भी हो गया। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये सारा कोड निकाल दे रहे हैं और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे हम हमारा टैग यहाँ पे हम दे रहे हैं। हमारा टैग का नाम क्या है हम देख लेते हैं हेलो ओके। सो यहाँ पे हम प्रीफिक्स के साथ उसको यूज़ करना है। सो हम यहाँ पे प्रीफिक्स दे रहे हैं। सो ये आ गया Ctrl+ आपको देना है। सो ABC हेलो हम और इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट लिया था कलर। सो यहाँ पे आप स्पेस दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कलर और यहाँ पे हम कौन सा कलर रेड कलर हम डिफाइन कर रहे हैं। सो ये हम रेड कलर डिफाइन हो गया और यहाँ पे ABC क्लोज के लिए बोल रहा है बस। ये हमारा हो गया। अभी हम क्या करें, वेलकम टू CODEFLUENT वेलकम टू कोड फ्लुएंट बस हम। और आपको ये ध्यान रखने की ये लाइन के अंदर ये रेड लाइन रहेगी। सो उसका आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आपको राइट क्लिक करना है और रन फाइल। सो ये हमारी ये फाइल अभी हमारी फाइल ये रन हो जाएगी और हम देख रहे हैं कि आउटपुट आ रहा है या नहीं है, क्या उसमें एरर आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके यहाँ पे एरर है, ऐसा कुछ आ रहा है एनेबल टू टैग हैंडलर PI टैग हैंडलर ओके। सो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, टैग हैंडलर के अंदर कुछ मिस्टेक हुई या नहीं हुई। ओके हाँ यहाँ पे हमने P1 क्लास दिया सॉरी पैकेज दिया था और यहाँ पे हमने PI दिया इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो अभी हम P1 यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हमको फिर से index.jsp रन कर रहे हैं रन ऑफ फाइल। सो गाइस ये आप देख सकते हो कि Apache Tomcat यहाँ पे आ गया है। सो मे बी ये फाइल रन हो जाएगी डेवलपिंग taglib और यहाँ पे हमारी फाइलें इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू कोड फ्लुएंट ये दोनों हमारे कस्टम टैग और हमने एट्रीब्यूट दिया था वही एट्रीब्यूट में आ गए। सो इसी तरह आपका कोई भी आप कस्टम टैग क्रिएट कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, और ये आप taglib की मदद से भी कर सकते हो और XML में हम जैसे कस्टम टैग क्रिएट कर रहे थे वैसे हमने यहाँ पे कस्टम टैग क्रिएट किया हेलो और उसका हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया। सो इसी तरह आप कर सकते हो।
आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द वीडियो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।